देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह के रेड कलर हैं, ये एक और ये वाला है। इसको निकल के मैं दिखा देता हूँ, उससे अभी नए नए आप लोग ट्राई करते रहिए। क्या आप भी वाटर कलर सीखना चाहते हैं? वाटर कलर के जो बेसिक स्टेप है, वाटर कलर कैसे यूज़ करना होता है, वाटर कलर पैलेट क्या होता है, वाटर कलर ब्रश कैसे यूज़ करना होता है, कौन सा वाला बढ़िया होता है, ये सभी चीज़ें देखने के लिए, जानने के लिए ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए। और अगर आप वाटर कलर स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, वाटर कलर के यूज़ कैसे करना होता है, ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल चित्रकार योगी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाटर कलर के बारे में। ये है आर्टिस्ट वाटर कलर ट्यूब्स। जी हाँ, आर्टिस्ट एंड बिगिनर्स सभी के लिए ये वाला कलर बहुत ही बढ़िया होता है। सो गाइस, ये कैमल कंपनी का है और ये 12 सेट का होता है और एक एक ट्यूब 5 ml का मिलता है ये सेट। इससे भी बड़ा वाला भी मिलता है 20 ml, मगर अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए यही बेस्ट है। इसका प्राइस कितना है? ये मेरा बहुत पुराना सेट है, तब इसका प्राइस था 200 MRP, उसमें 20 rupees लेस करके मुझे मिला था। और अभी जो मिलता है नया वाला भी मैं दिखा देता हूँ, सेम कलर, इसका सिर्फ पैकेजिंग ऊपर का जो पेंटिंग है ये चेंज हुआ है, कलर कैमल का है, आर्टिस्ट वाटर कलर सेम। अभी इसका जो प्राइस है वो है 210 rupees। जी हाँ, मुझे मिला है ये 190 rupees में। आप भी मार्केट में देख सकते हैं, इससे भी कम भी आपको मिल सकता है। तो ये तो हो गया, तो इसके अंदर का जो कलर है वो सेम ही है। चलिए एक यहाँ से ही दिखा देता हूँ मैं, ये मैंने अभी आप लोग देख सकते कितने सारे कलर है। अगर आप एकदम नए हैं तो आपको बहुत सारे कलर के बारे में समझ में नहीं आएगा, तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह के रेड कलर हैं, ये एक और ये वाला एक, दोनों रेड कलर, एक में लिखा है स्कारलेट और दूसरे में लिखा है क्रिम्सन। जी हाँ, ये जो स्कारलेट वाला रेड है इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑरेंज कलर बनाते वक्त। जी हाँ, इससे ही ऑरेंज कलर बनते हैं। और दूसरा वाला जो है ये है क्रिम्सन, इससे हम लोग पिंक कलर बना सकते हैं, पिंक पर्पल ऐसे कुछ कलर बना सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग वाटर कलर करके दिखाएंगे डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप, तब आप लोग सीख सकते हैं। ये तो हो गया, अभी ये हो गया है ये येलो कलर। ये कलर तो आप सभी को पता है क्योंकि ये आपको जो पेस्टल कलर सेट है उनमें भी मिलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे कलर हैं, सभी कलर के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग ट्राई करेंगे। इन्हें से रख देते हैं साइड पे, सभी को शायद कलर के बारे में समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, और इससे ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए इन्हें ट्राई करना पड़ेगा, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे वाटर कलर पैलेट के बारे में। यह है वाटर कलर पैलेट, इसके बारे में आपको अगर कोई भी नॉलेज नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। यह वाटर कलर पैलेट, जो वाटर कलर होते हैं उन ट्यूब्स से निकल के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लेना पड़ता है। चलिए इसको निकल के मैं दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है पीछे वाला हिस्सा, ये कोई काम का नहीं, इधर हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे एक दो करके आप बहुत सारे कलर रख सकते हैं, यहाँ पे दोनों कलर एक साथ लेके मिक्सिंग कर सकते हैं, बहुत सारे काम है इनका, वो हम लोग बाद में वीडियो में करके दिखाएंगे। चलिए, ये मुझे मिला है 50 rupees में, ये बहुत सारे साइज में मिलता है, उसके लिए इसका जो MRP है वो कम ज़्यादा भी होते रहते हैं। चलिए दूसरा वाला दिखाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे वाटर कलर ब्रश के बारे में। ये है कुछ वाटर कलर ब्रश। मैं सबसे पहले एक बात बता देना चाहूँगा, जो ये वाला जो ब्रश है ये है एनिमल हेयर से बना हुआ। जी हाँ, जो कि अभी मार्केट में आना बंद हो गया है, अभी जितने भी पहले आ चुके थे वही मार्केट में सेल हो रहा है। अभी जो ब्रश आते हैं वो है प्लास्टिक सिंथेटिक ऐसे कुछ ब्रश, ये वाला मार्केट में आना बंद हुआ है। इससे मैं भी बहुत खुश हूँ और दुखी भी हूँ, क्योंकि दुखी इसलिए क्योंकि ये जो ब्रश होते हैं एनिमल हेयर का, इससे कलर बहुत बढ़िया बनता है, पेंटिंग जो बहुत करने में आसानी होती है, ड्राइंग भी बहुत बढ़िया बनते हैं। और खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये जो एनिमल हेयर है इन ब्रश को बनाने के लिए बहुत सारे एनिमल को मार दिया जाता है, ये बहुत ही एक बुरा बात है जिससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो सकता है, हो रही है। जी हाँ, सो
अगर आपको ये वाला ब्रश मिल सकता है तो ले लीजिए, नहीं तो आप अभी से सिंथेटिक या प्लास्टिक ब्रश से ही ट्राई करना शुरू कर दिए, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा जनरेशन है उन्हें ये वाला ब्रश और नहीं मिलेगा, उसी से काम चलाना पड़ेगा। उससे भी बहुत बढ़िया ड्राइंग हम लोग बना सकते हैं, उन्हें भी सीखेंगे। चलिए अभी इनके बारे में हम लोग एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हैं मोटा वाला जो ब्रश है, इनमें लिखा है 11। इनमें आप देख सकते हैं दोनों तरह के ब्रश है, जैसे कि ये एक चौड़ा सा ब्रश है और ये राउंड, इसे कहते हैं राउंड ब्रश और इसे कहते हैं फ्लैट ब्रश। सो राउंड ब्रश के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। 11 लिखा हुआ है, इसका जो नंबर है ये 11 है, ठीक है। आप 12 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। ये एक हो गया। अभी दूसरा वाला ये है 6, नंबर 6 वाला ब्रश है। आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी, तीनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। अभी एकदम पतला सा मैंने लिया है 0, आप ट्रिपल 0 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। अभी फ्लैट ब्रश, ये है नंबर 6, इससे मोटा भी है, मगर मैं आप इसे देख रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर है, इसीलिए आप लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं, सो आपके लिए उतना मोटा ब्रश अभी नहीं चाहिए, इसी से कम चल जाएगा। अभी फ्लैट ब्रश एक छोटा सा है, ये भी दिखा देता हूँ मैं, यह है नंबर 2, इससे भी आप लोग कर सकते हैं। ये वाला जो ब्रश है ये मार्केट में थोड़ा सा कम MRP पे मिल जाता है, दूसरे जो एनिमल ब्रश है, एनिमल हेयर ब्रश है, उससे थोड़ा सा ये कम में मिलता है। और दिखा देता रहा हूँ, ये है, ये भी एक एनिमल हेयर ब्रश ही है, मगर इसका जो प्राइस है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये और भी ज़्यादा MRP पे मिलता है। इसका नाम है, हमारे बंगाल में इसे कहते हैं गौड़ी ब्रश, और मगर मैं कहूँगा अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये वाला ब्रश नहीं है। चलिए और एक ब्रश मेरे पास है जो आप लोगों के लिए नहीं है, जो मैं कुछ कमीशन वर्क करने के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे ये सब छोटा मोटा स्टूडेंट को दिखाने के लिए भी मैं इससे कुछ ड्राइंग बनाता हूँ। ऐसे बहुत सारे ब्रश मेरे पास है, मगर आप लोगों के लिए सिर्फ मैं कहूँगा ऐसे जो कम कीमत में मिलते हैं ऐसे ब्रश आप लोग खरीदें, उससे अभी नए नए आप लोग ट्राई करते रहिए। नंबर आप लोगों ने देख लिया होगा, इसी तरह से कुछ नंबर से आप देखते हुए नोट कर लीजिए और नंबर को दिखा कर ही आप लोग ब्रश खरीद लेना, राउंड ब्रश एंड फ्लैट ब्रश। और भी कई सारे ब्रश मिलते हैं जो अभी हमें नहीं चाहिए। सो गाइस, इससे बात बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ, वो है एक बर्तन ले लीजिए जिसमें पानी लेना है। वाटर कलर अगर हम लोग करेंगे तो वाटर कलर करने के लिए पानी लेना तो बहुत ही ज़रूरी है ना, वाटर नहीं होगा तो हम लोग वाटर कलर कैसे करेंगे। तो इसी तरह से ये एक प्लास्टिक का बर्तन है जिससे पानी लेकर मैं ड्राइंग करता हूँ। और एक दिखा देता हूँ मेरा, ये जो मग आप लोग देख सकते हैं, इसे भी मैं पानी लेकर ड्राइंग करता हूँ। जब मैं बड़े बड़े कुछ ड्राइंग में काम करता हूँ तब पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने ये वाला रखा है, इसमें ज़्यादा पानी लेकर के काम करना पड़ता है। आप छोटे से भी काम चला सकते हैं। अभी तीसरा वाला जो है, एक कपड़ा ले लीजिए, जैसे मेरे पास ये एक कपड़ा है, कपड़ा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए ये वाला भी है, इसमें भी कुछ कलर लगे हुए हैं जैसे ये सब आप लोग देख सकते हैं, इसलिए इस तरह से आप लोग भी एक कपड़ा लीजिए। कपड़े का काम क्या है, सपोज़ ये ड्राइंग कर रहा हूँ मैं, ब्रश को ऐसे पानी में धो लिया, उसके बाद कपड़े के ऊपर इस तरह से पोंछ लिया, इसके लिए हमें चाहिए होता है ये कपड़ा। तो गाइस, इतना सारा चीज़ वाटर कलर करने के लिए आप लोगों को चाहिए, बस इससे ही काम हो जाएगा आपका वाटर कलर। अभी पेपर क्या चाहिए, पेपर आप कोई भी ले सकते हैं, मगर ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर बहुत ही पतला ना हो, पतला पेपर में वाटर कलर नहीं हो सकता है, इससे क्या होगा पेपर गीला होकर वो फट जाएगा बीच में से, ड्राइंग भी गंदा हो जाएगा। सो आप लोग जब पेपर खरीदे तो थोड़ा सा मोटा ले लीजिए, या फिर आर्ट पेपर जो मिलता है बड़े बड़े सीट, उसे भी लेकर के आप लोग उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसके ऊपर भी पीस करके उसके ऊपर भी ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर ड्राइंग बुक बहुत सारे मिलते हैं जो थोड़ा सा मोटे पेज का होता है। आप अभी बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा सस्ता वाला ही लीजिए, क्योंकि अभी जो हम लोग ड्राइंग सीखा वो बेसिक होगा, तो सस्ता वाला जो ड्राइंग बुक होता है उनमें भी कम चल जाएगा। सो गाइस, इसी तरह से सीखने के लिए जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाटर कलर सीखेंगे एकदम बेसिक से, और एक सिंपल सा सीनरी हम लोग सीखेंगे, जो इन सभी चीज़ों का यूज़ हम लोग करना भी उस वीडियो में सीख जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।